नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं आदिति त्यागी। तो रियल लाइफ से रियल लाइफ तक मिथुन चक्रवर्ती ने नायक का किरदार भी अदा किया और नेता का भी। जैसे हर सफर में एक ब्रेक आता है, मिथुन दा ने भी अपने राजनीतिक सफर में एक छोटा सा ब्रेक लिया और अब एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर से मिथुन दा सियासत में वापस लौटते दिखाई देते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। खबर यह है कि मिथुन चक्रवर्ती कल कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली में बीजेपी का झंडा थाम सकते हैं। लेकिन मिथुन दा की राजनीतिक प्रतिभा के कद्रदान भी कम नहीं है। कॉलेज के दिनों में कम्युनिस्ट पार्टी के करीबी रहे मिथुन दा साल 2014 में ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हुए, राज्यसभा सांसद भी बने। दो साल बाद 2016 में राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा देने के बाद से मिथुन दा ब्रेक पर चल रहे थे, लेकिन अब लगता है कि ये ब्रेक खत्म होने वाला है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। खबर है कि मिथुन चक्रवर्ती कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली रैली में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। मिथुन दा प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, उनसे चर्चा करूंगा, इसलिए अभी किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करूंगा। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। भारत माता की, भारत माता की। लेकिन उससे पहले कैलाश विजयवर्गीय और मिथुन दा के बीच चर्चा होगी और क्या पता जिस सरप्राइज की बात बीजेपी के नेता ब्रिगेड ग्राउंड की रैली को लेकर कर रहे हैं वो सरप्राइज मिथुन दा ही हो। बहुत लोग अपने संपर्क में हैं, जैसा उनको सहूलियत लगेगा वो आएंगे, हम तो दरवाजा बड़ा करके बैठे। मिथुन दा से जरूर मेरी बात हुई, पर हाँ, यह बंगाल के इतिहास की सबसे बिगेस्ट रैली होगी और ये हमारा शक्ति परीक्षण नहीं, ये जनता स्वयं अपनी ताकत बताएगी। बीजेपी में मिथुन दा के शामिल होने की अटकलें 16 फरवरी को पहली बार तब लगाई गई जब उन्होंने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी। ये मुलाकात मुंबई में मिथुन दा के घर पर हुई थी। इससे पहले साल 2019 में वो संघ मुख्यालय भी गए थे। बीजेपी को 70 साल के सुपरस्टार मिथुन दा में उम्मीद दिखाई दे रही है। मिथुन दा मोदी जी से मिलके, प्रधानमंत्री जी से मिलके क्या कहने वाले हैं, सही में मुझे उसकी जानकारी नहीं है। और ये आश्चर्य भी नहीं होगा कि अगर मिथुन दा बीजेपी ज्वाइन करे। मिथुन को लेकर चल रही चुनावी चर्चा के बीच बीजेपी का खेमा उत्साहित है, लेकिन टीएमसी में छटपटाहट दिखाई दे रही है। People will not have faith on him. He might be a very great film star, and if he's not involved in grassroots level work, people hardly have any trust in him. अब सवाल ये है कि क्या मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल होंगे, और अगर शामिल हो गए तो बीजेपी के लिए मिथुन कितने फायदेमंद साबित होंगे। विशाल पांडे और रवि त्रिपाठी के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया, कोलकाता। मिथुन चक्रवर्ती के बारे में आपको बताया तो मिथुन चक्रवर्ती का नाम था गोरांग, बाद में उन्होंने अपना नाम मिथुन रख लिया। मिथुन चक्रवर्ती ने 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और अब भी वो बॉलीवुड में सक्रिय है। उनके करियर का सबसे मुश्किल दौर आया 90 के दशक में। 1993 से लेकर 1998 तक उनकी लगातार 33 फिल्में फ्लॉप हो गई। फिर भी उनका स्टारडम ऐसा था कि तब भी उनके पास फ्लॉप फिल्मों के बावजूद 12 फिल्में थी। मिथुन दा के छोटे से सियासी करियर में भी एक बार मुश्किल दौर आया जब उनका नाम शारदा चिटफंड कंपनी के घोटाले में आया। उस दौरान मिथुन दा ममता की पार्टी टीएमसी में हुआ करते थे। मिथुन दा को प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों के सामने पूछताछ के लिए भी पेश होना पड़ा। कहा जाता है कि शारदा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर मिथुन को 2 करोड़ रुपए दिए गए थे। हालांकि मिथुन ने 1,19,00,000 रुपए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को लौटा दिए थे। तो क्या मिथुन चक्रवर्ती कल कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल होंगे, इस पर हर किसी की निगाहें हैं। वैसे कल बंगाल में चुनावी मुकाबला दिलचस्प होगा। तो देखिए, एक तरफ ब्रिगेड परेड ग्राउंड जिसकी तस्वीरें, तैयारियों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी कह रही है पश्चिम बंगाल में ऐसी रैली पहले कभी नहीं हुई। पार्टी द्वारा दावा किया जा रहा है 10,00,000 लोग प्रधानमंत्री की इस चुनावी रैली में शामिल होने वाले हैं। उसी की तस्वीरें
तैयारियों की तस्वीरें, किस तरह से वहां पर काम चल रहा है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में 57 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने आज शाम को पहली लिस्ट जारी कर दी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए। और साथ ही जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ब्रिगेड मैदान पर किस तरह की तैयारियां हैं उससे जुड़ी हुई है। बीजेपी एक तरफ कह रही है कि ऐसा आयोजन, इतनी बड़ी संख्या में लोग पहले कभी शामिल नहीं हुए, साथ ही सरप्राइज देने की बात पार्टी कर रही है। माँ माटी मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बन करके खड़े हो गए। तृणमूल कांग्रेस सब तोलाबाज, तृणमूल कांग्रेस तोलाबाज, आपने की आपने तो सबसे बड़ा दंगाबाज, दंगाबाज। ब्रिगेड मैदान पर बड़ा होने वाला है। यह है कोलकाता का ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान, जहां रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी रैली होने वाली है। और दूसरी तरफ हैं ममता बनर्जी, जो आज सिलीगुड़ी में हैं और कल भी वहीं से बीजेपी के खिलाफ महिला ब्रिगेड को मजबूत करेंगी। मोदी और दीदी का यह सियासी मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प होने जा रहा है क्योंकि बीजेपी का दावा है कि ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए 10 लाख से ज्यादा लोग मौजूद होंगे। और ये चर्चा भी है कि कई बड़े नाम इस रैली के दौरान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बहुत लोग अपने संपर्क में हैं, जैसा उनको सहूलियत लगेगा वो आएंगे, हम तो दरवाजा बढ़ा करके बैठे। सर, क्या कोई टारगेट लिया गया है 10 लाख के आसपास के लोग जो ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर आएंगे कल? ये गिनने का काम हम आपको देते हैं पत्रकारों को कि आप गिनिएगा कल कितने लोग हैं। ये मैदान छोटा पड़ जाएगा इतना कह सकता हूँ बस। ब्रिगेड मैदान में बैरिकेडिंग की गई है, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खास तरह का मंच बनाया गया है, मंच भगवा रंग से सजा है। ये जो है मुख्य मंच है, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से इस जनसभा को संबोधित करेंगे और जो है यहाँ पर सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई है और इसी मंच पर और भी बंगाल भाजपा के नेता मौजूद होंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली रैली है। ब्रिगेड मैदान में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए एसपीजी की दो टीम दो दिन पहले ही कोलकाता पहुंच चुकी है। मैदान में करीब 1500 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, जिस पर कोलकाता पुलिस की कड़ी नजर रहेगी और साथ ही कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिगेड रैली को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा इंतजाम यहाँ पे काफी कड़े किए गए हैं। हम आपको दिखाते हैं, इस पूरे ब्रिगेड परेड ग्राउंड्स पर 1500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर ये सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और पूरे इस मैदान को कवर कर लिया गया है और ये जो पूरा मैदान है उसके चारों तरफ जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है। सबके पास और जो इन्वाइट है उसको देख कर ही अंदर दाखिल होने दिया जाएगा। पूरे कोलकाता में सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक बड़ी गाड़ियों पर पाबंदी रहेगी और मैदान के आसपास सड़कें बंद रहेंगी। और आप सड़कों पर देख लीजिए क्या नजारा है। कल के रैली को लेकर प्रधानमंत्री के ये दिलीप घोष की तस्वीरें, मतलब कटआउट भी अब यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके भी कटआउट यहाँ पर लगे हुए हैं। दिलीप घोष, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि कल यहाँ पर ब्रिगेड ग्राउंड में रैली करने आने वाले हैं। ऐतिहासिक रैली होने का दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं। अब इन पेड़ों को देखिए, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं। सबकी नजर प्रधानमंत्री की कोलकाता रैली पर टिकी है क्योंकि तभी पता चलेगा कि बीजेपी के सरप्राइज का मतलब क्या है। पूजा मेहता और विशाल पांडे के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, कोलकाता। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।